ये कार्यकर्ता किस जोश में है, ये कार्यकर्ता मद्दा सा बदलाव चाह रहा है। टक्कर बची कहाँ है? इस बार कांग्रेस पार्टी वो जीत दिखाएगी कि चमत्कार हो जाएगा। अब ये आसान बात नहीं, जितने दिन बार भ्रम फैला लिया कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, कभी इस नाम पे कभी उस नाम पे, कभी किसी प्रत्याशी की बदनामी करना, वो समय चला गया। कांग्रेस ने ही गोविंदपुरा क्षेत्र का विकास किया है, जो कुछ काम किए हैं। BHL का कारखाना हमला है, एम्स का हमला आ रहे हैं। अरे इन्होंने एक सरकारी अस्पताल नहीं बनाया, एक सरकारी कॉलेज नहीं बनाया, ये क्या अपेक्षा रखते हैं? आज गलियों में देखिए, आप बस्तियों में जाके देखिए, शिवनगर, कल्याण नगर, 16 एकड़, अवधपुरी, अयोध्या नगर, क्या हालत है? गरीबों का जीवन यापन किस तरीके से? पिपलानी 50 सेक्टर, 100 बस्ती, आप देखिए तो सही, कुछ किया ही नहीं, बस भ्रम फैलाते रहे और अपना नाम चलाते रहे। वो जमाना चला गया भाई साहब। अभी एक नया मुद्दा है, कचरा खंती जो आपके भानपुर में है, हम उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसे इसको हटाना चाहिए। वो जब बनी थी जब शहर के बाहर थी, अब शहर के अंदर है। वहाँ खड़े होकर तो देखिए, वहाँ आदमी का जीवन यापन किस तरीके से बदबू मार रही है जगह। ऐसी परिस्थिति में अब उनको समझ में आई, जो चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पर्चू घोषणा करते हैं कि मैं कचरा कंती हटा के यहाँ गोल्फ मैदान बनाऊंगा। अरे भाई, चुनाव आचार को योग को सोचना चाहिए, ये खाली मिथ्या घोषणा है। ये करेगी, कचरा कंती हटाएगी तो कांग्रेस पार्टी हटाएगी, सामान्य आदमी का जीवन यापन का स्तर उठाएगी तो कांग्रेस पार्टी उठाएगी। जो बड़े क्षेत्र हैं, जो अच्छे क्षेत्र, अच्छी कॉलोनी है, उनका विकास समुचित होना चाहिए, वॉकिंग ट्रैक होना चाहिए, साफ सफाई प्रॉपर होना चाहिए, ये सब कांग्रेस पार्टी कराएगी। इन्होंने कुछ किया ही नहीं भाई साहब, तो इनके पास मुद्दा और हमारे पास मुद्दा क्या? इन्होंने भ्रम फैलाया, हम काम करेंगे इन्हीं मुद्दों को लेकर आप चुनाव में। निश्चित बात है, और भी परिस्थितियां आएगी, लेकिन जनता ये सब समझ चुकी है, इन्होंने भ्रम ही फैलाया है। अब भ्रम टूट रहा है जनता का, और जनता बदलाव चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है, इसलिए जनता मेरे साथ है और कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगा है।